हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला। और बताती हूँ आप सब लोगों को क्या क्या हुआ इन दिनों के बीच, क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो बताओ कि आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और तो बहुत दिन हो गए यार व्लॉग शूट करे हुए। तो आज मैंने सोचा कि फाइनली व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। आई थिंक मैंने शादी में किया था, शादी के बाद से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इस बीच शादी में भी प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि यार घर में जब शादी होती ना तो कैमरा हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है, हर चीज़ को कैप्चर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें संभालने पड़ते हैं। तो घर की शादी में एंजॉय भी इतना नहीं कर पाते जितने दूसरों की शादी में कर पाते हैं। और वैसे देखा जाए तो खुल के एंजॉय भी अपने खुद के घर की शादी में कर सकते हैं। सो शादी में से मैं आ गई थी, शादी से आने के बाद में मेरे आगे एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स में भी क्या ही शूट करती मैं। तो एग्ज़ाम्स से आने के बाद अभी शायद 6-7 दिन हुए मुझे आए हुए, और उसके बाद में अब क्या है व्लॉगिंग की मतलब हैबिट भी नहीं रही ना, तो याद ही नहीं रहता है व्लॉग करना। तो अब शायद हो सकता है मेरे व्लॉग्स प्रॉपरली आएँ, कोशिश करूँगी। अभी मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। और इस बीच आ गई हमारे घर की ऊपर की शिफ्टिंग, क्योंकि मैं हो गई ऊपर शिफ्ट, क्योंकि मम्मी पापा और मेरे मतलब देवरानी और देवर गांव रहते थे पहले, तो अब वो लोग आ गए हैं यहाँ बीकानेर, तो मैं ऊपर शिफ्ट हो गई। क्योंकि यार ऊपर पता है थोड़ा सा आगे से ओपन एरिया है, और जो मेरी देवरानी का जो बाबू है ना वो भी छोटा है, तो मैंने सोचा कि यार ऊपर ठंड भी लगती है, तो मैं ऊपर शिफ्ट हो गई। और अभी थोड़ा बहुत काम होना बाकी है ऊपर का, तो पूरा प्रॉपर हो जाएगा तब आप सब लोग को दिखाएंगे, ऊपर का टूर भी करवाएंगे। तो वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 रूम किचन लेट बाथ और आगे से पूरा ओपन एरिया है, तो दिखाऊंगी आप सब लोगों को। अभी थोड़ा काम होगा, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके बाद मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी। तो और शादी के व्लॉग्स तो आप सब लोगों ने देखे ही होंगे, प्रॉपर तो व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं, बट शादी के जो भी वीडियोस वगैरह आएंगे वो आप सब लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी वो भी नहीं आए हैं। और आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है बीकानेर का, दिखाती हूँ मैं आप सब लोगों को। ये देखिए ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी हवा चल रही है और बादल हो रखे हैं। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, इतने कपड़े तो मैं समेट चुकी यहाँ पर, और अभी और सूख रहे हैं कपड़े। और इस बीच में मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, तो आप सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट्स में बोल रखा है, तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की वजह से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए हैं। और मैं तो बहुत पता है खुश हो रही थी बहुत, कि चलो ठीक है 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए जैसे तैसे करके, और वॉच टाइम भी पूरा हो गया, जो भी टारगेट दिया हुआ था यूट्यूब की तरफ से वो मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी बीच में यूट्यूब ने एक और टारगेट लाके खड़ा कर दिया, जिसमें है कि शॉर्ट्स जो डालते हैं ना अपन, शॉर्ट्स पे पूरे 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। तो मेरा तो देख के इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि यार कैसे पॉसिबल होगा ये। लेकिन किसी के जैसे व्लॉग्स अब आजकल मिनी व्लॉग्स लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैंने अभी मुझे नहीं पता है प्रॉपर कि मिनी व्लॉग्स कैसे डालते हैं, नहीं मुझे एडिटिंग का पता है, तो कोशिश करूँगी, देखिए सीखूँगी मैं। तो उस पर मैंने देखा है कि कई कई लोगों के एक एक वीडियोस पे ही 1 मिलियन या 2 मिलियन व्यूज़ आ रखे हैं, तो अगर उनको देखते हैं ना तब तो फिर कुछ भी ऐसे हार्ड नहीं लगता कि यार कोई बात नहीं हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे वीडियोज़ पर आते हैं 2000-3000, तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बट देखते हैं ये टारगेट और लाके खड़ा कर दिया, अब देखते हैं अब हो पाएगा। इसीलिए मेरा पता है ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, वरना तो ऐसा था कि चलो ये टारगेट पूरा हो गया अब ठीक है जो भी चल रहा है ठीक है, लेकिन ये टारगेट और खड़ा हो गया, देखेंगे। अभी 6:30 बजे में, और आज मैं सो गई थी, दिन में ब्लॉग शूट किया था ना उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड में सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में मुझे नींद नहीं आती इतनी, लेकिन सर्दियों में मुझे बहुत अच्छा लगता है सोना, तो आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और मैं बस ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, तो फ़ोन देखते देखते मुझे नींद आ गई। और अब अभी 6:30 बजे मैं अभी उठी हूँ, तो अभी जाएंगे मार्केट, क्योंकि हर संडे को ही मतलब सब्जियाँ वगैरह लेके आते हैं हम,
7-8 दिनों की। अब नेक्स्ट संडे को लेके आएंगे तो अभी जाएंगे हम दोनों मार्केट, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं अभी थोड़ा ठंड। तो क्या आज तबीयत खराब हो रही है इसकी, आ रही बुखार? नहीं नहीं इसको इसको बेटा ओपन मत करो इसको, इसके बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है तो डॉक्टर ने नेबलाइज करने का बोला है, बस वही कर रही हूँ मैं। और आज स्कूल भी नहीं गई, ट्यूशन गई थी बस। तो मतलब पता है क्या होता है कि रोज़ मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स बना के छोड़ देती हूँ और उसका दी एंड ही नहीं होता है, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। मैं यूट्यूब पर भी बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह का काम भी इतना हो जाता है, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो मॉर्निंग में इतना काम हो जाता है तो मॉर्निंग में बच जाते हैं वैसे ही 12:30-1:30 तो वैसे बच जाते हैं, और फिर थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। तो और फिर मेन प्रॉब्लम वो भी तो है कि जैसे वीडियोस बनाने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती तो अकेले से वीडियो नहीं बन पाता है इंस्टाग्राम पे भी। सो और फिर शाम का वही रूटीन, तो इसलिए मैंने और कई व्लॉग्स तो मेरे ऐसे भी हैं कि मैंने थोड़े थोड़े व्लॉग्स बना के छोड़ दिए हैं, आगे कंटिन्यू ही नहीं किए। सिया की एनुअल फंक्शन था, उस दिन भी मैंने व्लॉग बनाया था, शायद 6 या 7 मिनट का व्लॉग बनाया था, और वो मैंने अभी तक नहीं डाला है, एज इट इज़ पड़ा है। व्लॉग एडिट भी किया हुआ पड़ा है पर उसको पब्लिश नहीं किया मैंने। तो ऐसे बहुत सारे व्लॉग हैं जो मैंने मतलब बनाए हुए रखे हैं लेकिन ना तो मैंने उनको एडिट किया है और ना ही पब्लिश किया है, याद ही नहीं रहता है। सो अभी तो बस अभी नहाकर आई हूँ मैं, आज भी बहुत लेट हो गया मुझे तो अभी नहाकर आई हूँ, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कपड़े वगैरह वॉश किए और काव्य को सुलाया है, और अब बस उसको सुलाया है, 2:30 बज गए, और अब सिया ट्यूशन स्कूल से आने वाली है, फिर उसको खाना वगैरह खिलाऊंगी, फिर इन दोनों के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। ये ट्यूशन जाते तब थोड़ा सा मुझे टाइम मिल पाता है, बट वही है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं होता है। सो इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, और पता है टेंशन भी, जैसे कोई काम करते रहते हैं तो इतनी टेंशन होती है कि यार इंस्टाग्राम पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ना यूट्यूब पे मैं ध्यान दे पा रही हूँ, और अच्छी प्रोग्रेस भी अभी अच्छी हो रही है बट मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही। सो टेंशन भी बहुत रहती है कि काम करना है, कम करना है।